शहर का किंग्सवे अस्पताल मध्य भारत का ऐसा अस्पताल है जो पूरे अत्याधुनिक तकनीकी सुविधा से लैस है। यहाँ किसी भी बीमारी का इलाज किंग्सवे अस्पताल की पूरी टीम द्वारा किया जाता है। इसका प्रत्यय आया है 50 से 55 उम्र की ब्लड कैंसर की महिला मरीज जो तीसरे स्टेज में किंग्सवे अस्पताल में इलाज के लिए आई थी, जिसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर उन्हें इस बीमारी से मुक्त कर डिस्चार्ज किया गया है। शहर का किंग्सवे अस्पताल मध्य भारत का एक ऐसा अस्पताल है जो पूरे अत्याधुनिक तकनीकी सुविधा से लैस है। यहाँ किसी भी बीमारी का इलाज किंग्सवे अस्पताल की पूरी टीम द्वारा किया जाता है। कई बार मरीज ऐसी स्थिति में आते हैं तब इलाज करना बहुत ही कठिन होता है, और ऐसी स्थिति में भी किंग्सवे अस्पताल की पूरी टीम मिलकर मरीज का इलाज कर मरीज को तंदुरुस्त कर ही वापस घर भेजते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक वाकया किंग्सवे अस्पताल में देखने को मिला, जहां एक दंपति इलाज के लिए आए जिनमें महिला ब्लड कैंसर की मरीज थी और इनका कैंसर तीसरे स्टेज पर पहुंच चुका था। जब यह दंपति यहां आए काफी घबराए थे कि कैंसर जैसी बीमारी है, ठीक होगी या नहीं। लेकिन किंग्सवे अस्पताल की पूरी टीम और विशेष रूप से अस्पताल के डॉक्टर रिया बालिकर, डॉक्टर मोना रॉय, अस्पताल के सीईओ आशीष चंद्रा के साथ साथ पूरे नर्सिंग स्टाफ के सहयोग से इस मरीज की बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर उन्हें स्वस्थ किया गया है। सो आज हमको ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि ये पेशेंट को हम विदाउट एनी इन्फेक्शन विद प्रॉपर एनग्राफ्टमेंट डिस्चार्ज कर रहे हैं, एंड दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल द सपोर्ट दैट वी गॉट फ्रॉम किंग्सवे हॉस्पिटल, द स्टाफ, डॉक्टर मोना, द सीईओ सर मिस्टर चंद्रा, एंड एवरीवन हु हैज सपोर्टेड अस, एंड एन एक्सीलेंट नर्सिंग टीम। एक टेक होम मैसेज जो मैं बताना चाहती हूँ विद दिस इज दैट ब्लड कैंसर्स आर वेरी मच ट्रीटेबल, बाकी के कैंसर्स की तरह नहीं रहता, वी कैन कम्प्लीटली हम इसको क्योर कर सकते हैं, एंड एज इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर। 60, 65, 70, 75 ईयर ओल्ड पेशेंट्स भी कीमोथेरेपी अच्छे से टॉलरेट करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं रूपा जी को स्टेज 3 माइलोमा था, बट फिर भी उन्होंने सब ट्रीटमेंट अच्छे से टॉलरेट किया, एंड शी इज गोइंग टू गो होम टुडे। सो ब्लड कैंसर आर क्योरेबल, एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट अभी नागपुर मेडिकल हब है सेंट्रल इंडिया के लिए, एंड विद दिस बोन मैरो ट्रांसप्लांट नाउ किंग्सवे हॉस्पिटल इज डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट्स, एंड दैट्स इट। इस समय तो देखिए क्राउड फंडिंग शुड बी रेयर, कोशिश हम लोग करेंगे कि वैसा हो, बट बिकॉज दिस वॉज एक पहला केस था तो पर्सनल लेवल पे जो जो रीच आउट कर सकते थे, जैसे डॉक्टर रिया बल्लीकर अपने पर्सनल लेवल पे, मैं अपने पर्सनल लेवल पे, किंग्सवे हॉस्पिटल के कुछ और चैनल्स थे जहाँ पे वी रीच आउट, एंड पीपल वर काइंड। लोग जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बट एक दे नीड दैट कॉन्फिडेंस, यू नो, जो स्केप्टिसिज्म होता है कि क्या हमारे फंड सही जगह पे यूज़ हो रहे हैं। सो हियर इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल्स जहाँ हम लाइव देख पा रहे हैं कि जो फंड थे वो बहुत बाकायदा यूज़ हुए और एक पेशेंट इतना बेनिफिट कर गया। सो नाउ यू नो इट हैज़ बीन अ सक्सेस, देर वर नो इन्फेक्शंस एज डॉक्टर रिया सेड, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ सच ट्रांसप्लांट्स। सो द टीम वॉज ऑलवेज सपोर्टिव, डॉक्टर आशीष चंद्रा सी ओ हैज़ बीन, यू नो, ही सेड गो अहेड, वील ऑल मैनेज एवरीथिंग, सो विच वॉज अ ग्रेट सपोर्ट टू ऑल ऑफ अस, सो विच मीन्स अ लॉट, यू नो, पीपल वॉन्ट टू हेल्प। तो क्राउड फंडिंग इवेंचुअली येस, बिट बाई बिट अगर सपोर्ट मिलता रहेगा करते रहेंगे, लोग बेनिफिट होते रहेंगे। ये तो ये थी, बच्चे बहुत आते हैं, उनको ज़रूरत होती है। तो आई रियली वॉन्ट टू मेक एन अपील टू एवरीबडी टू कम फोर्थ एंड यू नो हेल्प एज मच एज पॉसिबल विदाउट, दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, यू नो, विदाउट बींग स्केप्टिकल कि सही हो रहा है नहीं हो रहा है, यू नो, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी विच। दूसरी चीज़ किसी भी अस्पताल के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो टीम जो ट्रीट कर रही है पेशेंट को और टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है जहाँ पे पेशेंट को जितना बेस्ट और ऑप्टिमल केयर या फिर ट्रीटमेंट मिल सकता है वो होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें। और ऑप्टिमल आउटपुट या आउटकम तभी आता है जब ये दोनों चीज़ें अच्छी हों, स्ट्रांग हों। तो हमारे यहाँ पर जो टीम है कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए, BMT के लिए ओवरऑल, डॉक्टर रिया बालिकर हो गई, डॉक्टर मोना राय पैलिएटिव केयर कंसल्टेंट हैं, फिर डॉक्टर सौरभ प्रसाद हैं वो हमारे कीमोथेरेपी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर बोमनवार हैं वो हमारे ऑन्को सर्जन हैं, डॉक्टर समीक्षा हैं वो भी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो ये पूरी हमारे पास बड़ी टीम है जो हर तरीके के कैंसर का इलाज कर सकती हैं।
तो यहाँ, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, BMT रूम जो होता है, BMT जहाँ पे इलाज किया जाता है उसका एक एक स्पेशल तरीके का रूम होता है, तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, जिस वजह से इस पेशेंट को हम उस तरीके का इलाज कर पाए और ट्रीटमेंट का एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन कोई भी नहीं था। तो बड़ी खुशी है हमें कि पेशेंट ठीक है और ठीक होकर के वापस जा रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि नागपुर के जो पेशेंट्स हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, इस सुविधा का पूरा उपयोग करेंगे किंग्स हॉस्पिटल में। नमस्कार। अस्पताल द्वारा मरीज को और उनके परिवार को अस्पताल की टीम द्वारा जो मानसिक सहयोग किया गया उसके बारे में महिला मरीज के पति द्वारा अस्पताल के सभी स्टाफ का धन्यवाद अदा किया गया है। अक्टूबर 20 में उसका एम्बेंड एब्सेंट हो गया था, थोड़ा खुशी हुई कि अब चलो ठीक हो गई है। हालांकि इस बीच दो तरह का, जैसे कि डेंगू और निमोनिया, ये सब केस उसको हुआ, तो सभी डॉक्टर मैम ने ही उनके अंडर में ट्रीटमेंट हुआ है। अब ऐसा हुआ कि 2021 में हमको हार्ट अटैक और एंजियोप्लास्टी कराना पड़ा, तो इसमें थोड़ा हम बैंकक्रप्ट हो गए थे फाइनेंशियली। और फिर जुलाई 2021 में मैम कही कि एम्बेन वापस आ गया है, तो मेरा दिमाग काम नहीं करते कैसे होगा, लेकिन मैम की कृपा से और पूरे किंग्सवे हॉस्पिटल की तरफ से जो एफर्ट किया गया, इस मुना मैम इस सभी लोग जैसे इस तरह से हेल्प की हैं, आज मेरी वाइफ ठीक होकर जा रही है, इसके हम बहुत आभारी हैं इन सभी के। नमस्ते। बुढ़ापे में जीने का सहारा अक्सर बच्चे होते हैं, लेकिन ये दंपति ऐसे हैं कि दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं, और ऐसे में किंग्सवे अस्पताल द्वारा मरीज को जीवनदान देकर एक दंपति को जुदा होने से बचाया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।